हेलो फ्रेंड्स, मैं मिताली फ्रॉम कवि डिजाइनर बुटीक। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग माय वीडियो एंड माय चैनल एंड फॉर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हो, तो उसकी वजह से हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का थोड़ा मन करता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है रेडी टू वियर साड़ी। देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे पहले भी रेडी टू वियर साड़ी बनाई, लेकिन वो रेडी टू वियर साड़ी हमारी पूरी बेल्ट वाली थी। इसमें हम आपको लास्टिक वाली साड़ी बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको रेडी टू वियर साड़ी बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले हम रेडी टू वियर साड़ी का पूरा प्रोसीजर समझाएंगे कि पल्लू कितना छोड़ना है और पीछे से कितना फैब्रिक लेना है। और बाकी तो आपको पता होगा कि रेडी टू वियर साड़ी जो होती है वो पूरी तैयार मिलती है, उसको आराम से पहना जा सकता है और उसकी वजह से हमारे समय की बचत होती है। और जिसको साड़ी पहननी नहीं आती है वो भी साड़ी पहन सकते हैं। तो हम आपको इतना अच्छे से तरीका समझाएंगे कि इसे आप अपने घर में भी बना सकते हो और प्रोफेशनल तरीके से यदि किसी का स्टिचिंग का काम है तो वो उसे क्लाइंट की रेडी टू वेयर साड़ी भी बना सकता है। तो हम आज इसमें कोशिश करेंगे कि आपको पूरी रेडी टू वेयर साड़ी बनाकर दिखाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी साड़ी है और ये क्लाइंट की साड़ी है जिसमें हमें रेडी टू वेयर साड़ी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको जो तरीका समझाना चाहते हैं, यदि हमारा जो साइज है कमर का वो 32, 34, 36 और 38 तक, उसके लिए हमें पल्लू कम से कम 2.30 के करीब छोड़ना चाहिए। और यदि जिसकी साड़ी है या कोई और क्लाइंट है, यदि उसकी कमर हमारी 40, 42 मतलब हेल्दी है, तो उसके हिसाब से हम उसे ढाई ढाई मीटर का पल्लू छोड़ना चाहिए। और यदि कस्टमर हमारा हाइट में लंबा है तो उसके लिए भी हमारा पल्लू ढाई मीटर छूटना चाहिए। तो ये जो साड़ी है ये हम 38 कमर के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि उस क्लाइंट की जो कमर है वो 38 है। तो 38 के हिसाब से हम इसे 2.30 के करीब इसका पल्लू छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसमें बेल्ट डालेंगे और पीछे का हिस्सा बताएंगे आपको कि पीछे का हिस्से में हमारा कितना कपड़ा छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको इसमें पल्लू बताएंगे कि 2.30 पल्लू कैसे छूटता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंच टेप है और इसमें हमारा 100 सेंटीमीटर में हमारा 1 मीटर होता है कवर। ये देखिए 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर कवर होता है। और यदि इसको इंचेस में देखें तो 39.5 हमारा 39.5 इंचेस हमारा 1 मीटर होता है। तो इसमें हमें 2.30 छोड़ना है, तो 2.30 के हिसाब से 1 मीटर वो 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर छोड़ना है। ये हमारा हो गया 1 मीटर। उसके बाद हमने 1 मीटर और लिया, ये हो गया हमारा 2 मीटर और ये आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ये हमारा 30 इंची के हिसाब से, वो 30 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। तो ये हमारा 2.30 का पल्लू छूट गया है। ये हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ। अब हम इसमें आपको आगे का तरीका समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे का तरीका समझाने के लिए हमें मशीन की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं पर हम आपको इसका प्लेट का हिसाब और पीछे के जो कपड़ा छूटता है वो बताएंगे। इसके लिए हमें काउंटर पे जाएंगे और मशीन पर आपको स्टिचिंग सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2.30 का पल्लू निकाल दिया है। अब उसके बाद ये जो हमारा साड़ी में लास्ट में है, इसमें हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान लगाने के बाद, प्लेट बनाने के बाद, फिर हम इसमें अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें प्लेट का निशान लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 38 साइज के हिसाब से हम इसमें 6 प्लेट बना रहे हैं। वैसे यदि साइज हमारा हैवी हो तो हम 5 प्लेट भी बना सकते हैं, और यदि हमारी साड़ी छोटी हो तो भी हम 5 प्लेट बना सकते हैं। तो अभी तो हम इसमें 6 प्लेट तैयार करके चल रहे हैं, क्योंकि 38 साइज भी है और हमारी साड़ी भी कम्प्लीट है। तो हमारी साड़ी यदि पूरी है तो हम इसमें, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसमें 12 इंची का निशान लगाते चले जाएंगे। 12 12 इंची के हम 6 निशान लगाएंगे अपने।
देखिए 12 इंची का निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके से आके हमारी 6 इंची की प्लेट तैयार हो जाएगी। तो फ्रंट्स 1, 2 और ये हमारी 3। आप इसे जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद हमारी 4 और ये हमारी 5 और ये हमारी, देखिए फ्रेंड्स जो हम ये हमने 5 प्लेट लगा ली। उसके बाद इधर की तरफ लास्ट वाली जो साड़ी हमारी होती है, इधर हमारे जो लास्ट वाली प्लेट होती है वो हमें थोड़ी सी बड़ी लगा, बड़ी के हिसाब से इसका निशान लगाना चाहिए क्योंकि हमारी साड़ी में जब हम प्लेट डालते हैं तो हमारी प्लेट पीछे को भागती है। इसमें हमारी साड़ी में प्लेट जो है पीछे को नहीं भागेगी, यदि हम अपनी जो लास्ट की प्लेट होगी जो सबसे ऊपर आती है वो हमें थोड़ी बड़ी लेनी चाहिए। जैसे हमने 12-12 इंची की प्लेट ली तो इसे हम कम से कम 2-2.5 इंची कम से कम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो जैसे कि 12 थी तो हम कम से कम इसे 14-14 इंची के करीब हम इसे बड़ा ले लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें अब आपको प्लेट डालकर दिखाते हैं कि प्लेट जो है वो मशीन पर ही डलेंगी, और ऐसे भी हो सकता है कि आप इसे ऐसे सेट करके यहीं पे आप इसे कच्चा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अदरवाइज इसे सीधे निशान लगाने के बाद मशीन पर भी हम सेट कर सकते हैं। तो हम तो आपको इसे मशीन पर ही सेट करके दिखाएंगे, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी ऐसे निशान लगा लगा के आप इसे सुई से भी कच्चा कर सकते हो, लेकिन हमारी प्लेट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये सब प्रोसीजर जो है वो बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो मशीन पे बनाएगा या इसको यहीं पर कच्चा करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको इसे मशीन पर सेट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये पल्लू की तरफ का हमारा पहला निशान है प्लेट का, ये वाला, और दूसरा निशान हमारा ये है, अभी जो हमने निशान लगाए थे चौक से थोड़े से इस तरीके से हमने ऐसे दूसरी प्लेट पकड़ेंगे। ये दूसरी प्लेट पकड़ ली हमने, अब इसमें हम ये तीसरी प्लेट पकड़ी, ये हमारी चौथी प्लेट हो गई और ये हमारी पांचवी प्लेट हो गई, और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्लेट हमारी वो इसे कोशिश रखिए कि बिल्कुल सामने सीधा होना चाहिए ये, ताकि ये प्लेट हमारी टेढ़ी मेढ़ी ना होए। ये हम ऐसे यहाँ से अच्छे तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पकड़ेंगे, प्लेट को आगे पीछे नहीं होने देंगे। ऐसे बनाया और ऐसे हमने यहाँ पर ऐसे सेट किया, और ऐसे सेट होने के बाद ये देखिए ये हमारी प्लेट सबसे बड़ी है, उसके बाद बाकी हमारी सब छोटी प्लेट है। अब इसमें हम ऐसे पकड़ के इसमें सिलाई, अब हम इसे प्लेट को बिल्कुल सीधे रखने की कोशिश करेंगे ताकि ये बेल्ट हमारी वो प्लेट हमारी आगे पीछे ना हो। ऐसे करके और इसमें अब हम सिलाई लगाएंगे, इसमें हम अपना 8 इंची के हिसाब से एक निशान बनाएंगे। ये फ्रेंड्स ये 8 इंची के हिसाब से हमने निशान लगा लिया क्योंकि हमारी कभी भी इतनी छोटी लंबाई नहीं होती, अगर यदि छोटी लंबाई होती है तो हम और नीचे को निशान लगा सकते हैं क्योंकि हमारी बेल्ट यदि यहाँ बनेगी तो हमारा 2-3 इंची का ये निशान सिलाई का निशान दिखाई देता है, प्लेट हमारी दबती हुई नजर आती है।
ये देखिए फ्रेंड, अब उसके बाद हम इसे वापसी ले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरीके से अपनी प्लेट को दबा दिया, इधर से हमने ऐसे दबाया और इधर से हमने इस तरीके से दबाया। अब इसमें हम पहले प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगा के दिखाएंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद फिर हम आपको बेल्ट का प्रोसीजर समझाएंगे। चलिए, जिस तरीके से हमारी नीचे प्लेट बनी है, ऊपर प्लेट बनी है, उसी तरीके से हमारी प्लेट का हिस्सा नीचे बनेगा। और अब उसके बाद हम इसे बिल्कुल सीधा करके एक प्रेस से फिनिशिंग कर देंगे। अभी हमने प्लेट सेट करने के बाद अब हम इसमें अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी लंबाई है 40। यहाँ पे हम अपनी 40 के हिसाब से आप अपनी लंबाई का निशान लगाएं। और लंबाई का निशान अब लास्ट तक हमारा निशान लगेगा, क्योंकि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। 40। देखिए, हमने नीचे से भी निशान लगा लिया है। और यदि थोड़ा सा भी डाउट हो, जैसे साड़ी आगे पीछे हो जाती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो हम इसके पॉइंट के हिसाब से, जैसे देखिए 4.5 आ रहा है, तो अब 40 लंबाई निशान लगाया था, तो ये 4.5 के हिसाब से हम ऐसे करके अपना बिल्कुल सही निशान एग्जैक्ट भी कर लेंगे इसको, क्योंकि वो भी एक अंदाजा था हमारा 40 के हिसाब से। ये देखिए, ऐसे करके हम फिर इक्वल हो जाएगा हमारा, नीचे से भी लगा लो निशान, और एक जब हमें लगे कि हमें थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो हम अपना एक पॉइंट नापने के बाद फिर हम ऊपर से भी निशान लगा सकते हैं, अपना पूरा निशान इक्वल लगा ले। अब हम इसमें बेल्ट लगानी शुरू करेंगे। बेल्ट लगाने से पहले अब हम आपको बेल्ट का प्रोसीजर समझाएंगे। ये वो पट्टी है, ये पेस्टिंग है हमारी, और ये हमारी प्लाजो और पेंटों में भी लगती है। ये ही वाली हम अपनी साड़ी में भी लगाएंगे, और ये चिपकने वाली पेस्टिंग है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये 10 इंची के करीब अलग ले लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें आपको अपना प्रोसीजर समझाते हैं। ये हमें जो साड़ी का लास्ट है, उसमें कम से कम 10 इंची में ये छोड़ देना चाहिए। अब उसके बाद, अब जो हमारी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हमारा ये बचा 10 इंची हमने उधर छोड़ दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पहले हम इसे नापेंगे, ये कितना बचा है। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा 40 इंचिस का। तो अब इस 40 इंचिस में अब हमें ये हिसाब निकालना होता है कि हमें अपनी लास्टिक कहाँ पर देनी है। तो उसके लिए मैं आपको तरीका समझाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये वाला प्रोसीजर है, ये हमारा 40 इंचिस बचा। अब इस 40 इंचिस में जो हमारी कमर बनती है, उस कमर में हम अपना 2 इंची माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा लास्टिक में कवर हो जाएगा। तो 2 इंची कवर होने का मतलब समझो कि हमें अपना 36 बेल्ट तैयार करनी है, ये कि 36 खींचने के बाद ये हमारा 38 इंची हो जाएगा। तो हम इसे लास्टिक से के सही 36 तैयार करेंगे, लेकिन जो ये वाला, अब हमारी 36 के हिसाब से हमने ये निशान लगा दिया, और जो हमारा इतना जो हिस्सा बचा है, ये हमारा लास्टिक में कवर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन हम जो लास्टिक लगाएंगे, यही ध्यान करने वाली बात है कि हम लास्टिक कहाँ पर लगाएं। तो हम जो लास्टिक लगाएंगे, यदि हमारी कमर 40 है, तो हम 40 में 2 इंची कम करने के बाद 38 का निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम उसका सेंटर बनाएंगे। लेकिन अब हमारा जो कमर है वो 38 है, 38 में से हम 2 इंची माइनस कर देंगे। 2 इंची माइनस करने के बाद हम इसका सेंटर बनाएंगे, ये अब हमारा ये आ गया 18 इंची का सेंटर बन गया। अब हम इसमें अपनी लास्टिक का हिसाब समझाते हैं आपको। ये देखें फ्रेंड्स,
हमारा कमर कितनी भी हो, हम उसमें जो लास्टिक लगाएंगे वो 10 या 11 इंची से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खिंचने के बाद इतनी हो जाती है। तो 10-11 इंची ले लीजिए और उसको इसका भी सेंटर बनाने के बाद हम ऐसे, और हम इसे यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पे ये हमारा सेंटर लग गया। और अब इसमें हम जितना भी है, अब इसमें हम अपनी ऐसे करके बेल्ट जोड़ेंगे, ये हमारी यहाँ पे बेल्ट जुड़ जाएगी। और उसके बाद जो इधर बच रहा है उसमें भी हम ऐसे करके अपनी बेल्ट यहाँ तक जोड़ लेंगे, यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। और हम इसमें ये बेल्ट जितना कपड़ा जितनी बचती है ये चौड़ाई, उतने पे हम अपनी बेल्ट तैयार करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा बचा है उसमें भी हम अपनी बेल्ट नाप लेंगे। ये हमारा 27 इंची, बाकी बड़ी लंबी होगी तो हम उसे कटिंग कर लेंगे। एक आइडिया से हमने इसकी अपनी बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब ये हमारी तैयार हो गया है। अब हम इसे पहले सिलेंगे और फिर उसके बाद इसे चिपकाएंगे और फिर उसे हम लगा के दिखाएंगे, फिर आपको इसका आगे का प्रोसीजर समझाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, और ये हमने बेल्ट, जो बेल्ट और लास्टिक है उसके लिए हमने ये वाला फैब्रिक लिया है। ये वाला फैब्रिक हम उतना लंबा लेंगे जितना हमें साड़ी में बेल्ट के रूप में तैयार करना है। तो अब हम इस पर चिपकाना शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चिपका के दिखाते हैं। इसे इसको चिपका दिया है, अब देखिए आगे का प्रोसीजर। अब हम इसे ऐसे ही अंदाजे से इतना खींचेंगे और हम ये कपड़ा छोड़ देंगे। और ये कपड़ा छोड़ने के बाद अब हम जो बचेगा अब हम इसे ऐसे चिपका लेंगे। बिल्कुल जहाँ तक हमारी बेल्ट है हम वहाँ तक इसे मोड़ देंगे, ताकि हमारा ऐसा प्रोसीजर। बेल्ट चिपक गई है, अब इसकी हम थोड़ी सी कटिंग इक्वल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सिलाई का मार्जिन हमने इतना लिया, इसमें आधा इंची सिलाई का मार्जिन लेने के बाद अब हम इसे इक्वल कटिंग कर देंगे। इसके ऐसे खींचने के बाद प्लास्टिक को भी और एक इसी की सीध में हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। ये अब हमारी ऐसे तैयार हो गई है। अब हम इसमें प्लास्टिक पे सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें यहाँ से ये ऐसे मार्जिन को अंदर लेने के बाद ये जो निशान है इस निशान पे इस तरीके से रखेंगे। और अब हम इसे ऐसे खींचने के बाद ऐसे इस तरीके से खींच गया, और अब अपनी नाप चेक करने के बाद अब हम इसको, हमें एक बेल्ट का आइडिया हो गया कि ये हमारी बेल्ट यहाँ तक आएगी, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसका हम अपना मार्जिन लेंगे। तो समझ आ गई कि ये हम किधर रखते हैं, हम इसको इधर की तरफ रखेंगे लंबाई की तरफ, और हम इसे जब सिलाई लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगने के बाद
ये हिस्सा मुड़ जाएगा। तो चलो हम पहले आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पहले अच्छे तरीके से अपनी साड़ी देख लेंगे कि ये हमारा ऊपर का हिस्सा ही है, सीधा ही है। पहले अच्छे तरीके से देखने के बाद अब हम अपनी बेल्ट को, और देखिए कैसे रखेंगे हम अपने मार्जिन को उधर की तरफ, निशान से परली तरफ, और बाकी बेल्ट हमारी साड़ी की तरफ रखते हैं, लंबाई की तरफ को। ये हमारा निशान जहाँ है उस पर हम अपनी मशीन चलाएंगे। ये देखिए, निशान लगाने से ये बेनिफिट होता है कि हमारी बेल्ट टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है और बिल्कुल बेल्ट सीधी लगती है। अब हम ऐसे लास्टिक को खींच लेंगे और बिल्कुल लास्टिक के बराबर में सिलाई लगाएंगे। जितनी बराबर में सिलाई लगती है लास्टिक के और बेल्ट के, उतनी हमारी अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हम अपने नीचे के और ऊपर के हिस्से को, जो प्लेट है वो बिल्कुल सीधे, प्लेट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से प्लेट के बिल्कुल बराबर में निशान मोड़ दे, बेल्ट को मोड़ देना है। बेल्ट को फोल्ड कर लिया हमने। इसका जो मार्जिन है वो अंदर मुड़ गया। प्लेट को बिल्कुल सीधा कर लेंगे और फिर हम सिलाई चलाएंगे, क्योंकि हमारी ये जो सिलाई है ये प्लेट के ऊपर भी आती है। यही चीज़ सबसे ज़्यादा सफाई देने वाली है और देखने वाली है कि हमारी प्लेट आगे पीछे तो नहीं हो रही है ऐसे। ये ऐसे इस तरीके से हम अपने सेट करेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम यहाँ से इधर से मार्जिन भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। अब हम यहाँ से लास्टिक फिर के खींचेंगे अपनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्टिक हमने खींच ली और अब खींचने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसे हम पीछे से भी पकड़ सकते हैं, इस तरीके से पीछे पकड़ेंगे तभी हमारी सिलाई लगेगी, क्योंकि लास्टिक स्ट्रेचेबल बहुत ज़्यादा होती है। यही हमारी ध्यान देने की बात है कि हम उसमें कितने अच्छे से सफाई से सिलाई लगा सकते हैं। पीछे से हाथ से खींचना है। ये हमने अंदर बेल्ट लगाकर साड़ी तैयार की है और इसका हमने मार्जिन भी नहीं कटिंग किया है, क्योंकि मार्जिन हम इसलिए नहीं काटते कि कल को फ्यूचर में ये साड़ी हम खोलने के बाद इसको बड़ी करना चाहें तो ये आराम से कस्टमर के हिसाब से फिर के दोबारा सेट हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कि ये 36 के हिसाब से हमारी इलास्टिक सेंटर पे बनी है या नहीं। जैसे कि हमने बताया कि हमारी जो वेस्ट थी वो क्लाइंट की 38 थी और हमने इसको 36 के हिसाब से इसमें हुक सेट करेंगे, तो जब ये ऐसे खिंचावट बनेगी तो ये 38 के हिसाब से हमारी कमर बन जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा
36 ऐसे बिना खींचे, हम यदि हमारी कमर उसकी नापने के बाद 38 है तो हम इसे बिना खींचे ऐसे हम अपना 36 का निशान लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे एक निशान बना लिया, ठीक है। और 36 के हिसाब से अब आप इसका सेंटर देखिए लास्टिक का। ये यहाँ से हमने इसको इस तरीके से ऐसे सेट किया और अब हम इसे ऐसे दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये लास्टिक हमारी 20 सेंटर पे आ रही है। तो ये जब हम इसको पहनेंगे तो ये हमारी लास्टिक 20 सेंटर पे तैयार होगी। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आगे पीछे हो सकती है, बट काफ़ी हद तक ये उसी हिसाब से हमने ये कमर के हिसाब से अपनी लास्टिक सेट की है। और ये वाला हिस्सा हमारा अंदर चला जाएगा क्योंकि हमें कुछ हिस्सा हमें अंदर भी पहुंचाना होता है। देखिए ऐसे हम पहले इसे रफ लगा के दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम आपको हुक लगा के दिखाएंगे। ये हमने 36 का निशान लगाया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 36 के हिसाब से है और ये हमारी इसके पीछे बेल्ट की ग्रिप ऐसे तैयार होगी। ये मेरी कमर 38 की है, मैं ये मेरी जो अपना साइज है, मेरा भी कमर का साइज 38 है, जिस और इसी वजह से ये 36 पे अभी थोड़ी सी ढीली आ रही है। वो इसकी इसमें हुक लगा के दिखाएंगे और फिर तैयार करके आपको इसको बांध के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इसमें हुक लगाने का जो प्रोसीजर है वो समझाते हैं कि इसमें हुक किस हिसाब से और कैसे लगाने चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कमर हमारी 38 है तो हमें बिना खींचे इस तरीके से, बिना खींचे हमें इसे 36 के हिसाब से इसमें 2 इंची कम कर लेते हैं क्योंकि हमारी इसमें लास्टिक होती है तो इसमें कम से हमारे लास्टिक में 2 इंची कवर होता है। ऐसे खींचने के बाद ये हमारी ऐसे 38 हो जाती है, यूँ खींचते हैं तो 38 हो जाती है। और यदि इस तरीके से लास्टिक को हम ढीला छोड़ देते हैं तो हमारी बिना खींचे हम इसमें 36 का निशान लगाएंगे यदि हमारी कमर 38 है तो। और यदि कमर, जैसे कि मैं और भी एग्जांपल देना चाहती हूँ साइज के हिसाब से, यदि हमारा साइज 40 है तो हम इसे 38 लगाएंगे, यदि हमारी 42 कमर है तो हम इसे 40 लगाएंगे, और यदि 46 है तो 44 लगाएंगे। कि 2 इंची कम करके बिना खींचे ऐसे निशान लगाना हमें। और फिर हमें यहाँ पे एक हुक, ऐसे वाले हुक लगाएंगे और इसके यहाँ पर हमें इस तरीके का हुक लगाएंगे और हम इसमें ऐसे सेट करेंगे। अब इस तरीके से हुक लगा के और जो आगे का जो ये वाला हिस्सा है उसमें फिर हम इसके हिसाब से अपने हुक सेट करेंगे। हमें कम से कम इसमें 3 हुक लगाने चाहिए ताकि इसके बीच में यदि हम हुक नहीं लगाते और यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे तो बीच में गैप आ जाएगा। तो इसलिए हमें 1, 2, 3 हमें 3 हुक लगाने चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम मैं आपको और जो लास्टिक लगाने का जो प्रोसीजर था उसमें भी देखिए, अब इसे हमने ये 36 लगाया है तो 36 के हिसाब से ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लास्टिक भी बिल्कुल सेंटर पे आई है। तो ये हमारा लास्टिक बिल्कुल बैक के बिल्कुल पीछे आएगी और ये बेल्ट बिल्कुल बराबर आएगी। इसलिए इसको जो लास्टिक लगाने का तरीका है ये बिल्कुल सटीक तरीका, हमें इसी तरीके से लास्टिक लगानी चाहिए। और आपको इसे पहन कर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है ये हमने आपको दिखाया था कि इसकी जो वेस्ट है वो 38 के हिसाब से तैयार हुई है। मैं आपको पहले अपनी कमर दिखाती हूँ और फिर हम इसे पहन के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो कमर है यहाँ पे 36 आई हुई है, मतलब मैं जो ये साड़ी तैयार होनी चाहिए वो 34 पे तैयार होगी, बट ये 38 के हिसाब से तैयार है। बट थोड़ा सा आइडिया के लिए मैं अपने ऊपर पहन के दिखा रही हूँ कि आपको इस साड़ी की लुक कैसे आनी कैसी आएगी। तो सबसे पहले हमने इसमें जो हुक लगाया है वो हमने यहाँ लास्ट पे लगाया है और लास्ट में लगाने के बाद यहाँ पे लगाया है और यहाँ पे लगाने के बाद एक मिडल में लगाया है और एक लास्ट पे लगाया। ये जो हमने हुक लगाए हैं ये 36 के हिसाब से लगाए हैं कि यहाँ से लेके
यहाँ तक इसका 36 का साइज बना हुआ आया। तो हम आपको इसका पीछे का हिस्सा दिखाते हैं जो हमारा लास्टिक वाला हिस्सा है। लास्टिक में जो हमारी लुक आई हुई है वो कैसे आई है, और देखिए लास्टिक बिल्कुल बीच सेंटर पे लास्टिक आई हुई है, और इससे हमारी बॉडी में भी अच्छे से ग्रिप बन जाती है। इसलिए हम अपनी साड़ी में लास्टिक लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ऐसे सेट करने से लास्टिक भी नहीं दिखती है और अच्छे से बॉडी में ग्रिप सेट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इस साड़ी की कंप्लीट लुक दिखाते हैं कि इसकी कंप्लीट लुक कैसी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेट्स हैं और ये हमारी साड़ी की पूरी लुक है। ये आराम से कैरी हो जाएगी और इसे हम आराम से पहन सकते हैं, बहुत जल्दी से हम तैयार हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि आपको ये साड़ी कैसी लगी, और जो हमने आपको पूरी रेडी टू वेयर साड़ी की वीडियो दिखाई है आप उसे लास्ट तक देखिए। और यदि आपको हमारी साड़ी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच।